असीं ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार ऐं हींअर सीनियर दिफ़ाइतर जे निगार आहिनि ब्रिगेडियर गज़नफर अली साहबु उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। हमास ऐं इसराइल विच में जेका हीअ जंग हले पई उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, तज़ियो हुन जो मालूम कंदासीं। ब्रिगेडियर साहबु बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्तु दिया। सर किस तरह देखते हैं सर इसराइल की जो जारियत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब तो अस्पतालें भी महफूज नहीं, पनाह गुजीर जो कैंप्स बनाए गए हैं वो भी महफूज नहीं हैं, तो इस सारी सूरत हाल का ब्रिगेडियर साहब अंत आप कहां पर देखते हैं? सूरत हाल तो खराब होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अंत इसका आज आपने देख लिया होगा कि OIC का जो फॉरेन मिनिस्टर का इजलास होना था वो पोस्टपोन हो गया। जी वो नहीं हुआ क्योंकि मुस्लिम ममालिक थे, उन्होंने मिलना था, मिलके उन्होंने कोई ज्वाइंट कम्युनिके करना था, फलस्तीन के अंदर हमास को या फलस्तीन इसराइल को कंडम करना था। इसराइल दहशतगर्द मुल्क है, नेतन्याहू सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसको असल में उसका नाम है नेतन्याहू हिटलर मुसोलिनी का बाप। तो वो जो मुसलमान ममालिक का जो रवैया है वो आज आपको आश्कारा हो गया होगा। अब जो बाइडन जो है वो अमरीका में है, जो अमरीकन फौज का सीनियर तरीन जनरल सेंटकॉम कमांडर जो है जनरल कुरीला जी, वो भी इसराइल में है और वो इसराइल को थपकी देने के लिए गए हैं कि फलस्तीनियों को मारो, इनकी औरतों को मारो, बच्चों को शहीद करो, इनके गले काटो, इनको बाहर फेंको, हम आपको डेजी कटर भी देंगे, 2000 पाउंड के बम देंगे, क्लस्टर बम देंगे। आज कल उनके जो वो सेंटकॉम के चीफ की स्टेटमेंट थी कि मैं इसलिए आया हूँ कि आप बताइए आपको कितने हथियार चाहिए, आप लड़े ना लड़े हम आपके साथ खड़े हुए। बर्तानिया का जो रवैया है वो आपने बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट देख ली होगी, उसने कहा कि जी हम इसराइल की तमाम दहशतगर्दी जो है उसको सपोर्ट करते हैं और ये प्रॉब्लम जो है इसराइल यहाँ पे बैठा हुआ है और ये जो इशू है ये असल में क्रिएट ही बर्तानिया ने किया था, यूके ने किया था, जिस वक्त यूके ने वो बेलफोर वो जो इनका प्राइम मिनिस्टर था उसने रॉसचाइल्ड को खत लिखा था और उसने कहा था कि जी हम इसराइल की स्टेट जो है वो यहाँ पे कायम करेंगे। ये तो पैलेस्टाइन होता था ना ऑटोमन के जमाने में, और जब ऑटोमन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उस वक्त तो इन्होंने बर्तानिया ने प्रॉब्लम क्रिएट की, अब वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे के पूरे वेस्टर्न कंट्रीज लगे हुए हैं कि किसी तरह गाजा में जितने लोग रह रहे हैं 22 मिलियन वो तबाह मर जाए, वहां पे कब्रिस्तान बन जाए, वहां पे जमीन खंडर बन जाए, इमारतें वहां पे हो ना, लोग वहां से निकल जाएं, दोबारा वो आ नहीं सकेंगे और वहां पे जो है वो यहूदियों की और ज़ायनिस्ट जो हैं उनकी हलाशेरी होगी। और पाकिस्तान मैंने आपसे यह कहा कि मुसलमान ममालिक का रवैया आपके सामने कि कोई एक मुल्क नहीं है जो फलस्तीनियों के लिए खड़ा हो रहा, कोई मुझे बता दे बयानात की हद तक, बयानात ही सिर्फ आ रहे हैं, मजम्मती बयानात, इस तरह होना चाहिए ये वो। तो ये जो इजलास मुलतवी हुआ है बड़ा एक बड़ा साइन है, तो इसको हम क्या समझें कि ये क्यों मुलतवी हुआ? अगर होता तो एक और ना सही एक स्ट्रांगली उस पर मजम्मत होती, कोई बयान सामने आ जाता OIC का, तो फिर OIC का किरदार क्या रह जाता है बाकी? ब्रिगेडियर साहब सर कोई किरदार नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो उनको इंटरेस्ट नहीं है कि कितने मुसलमान मर रहे, उनका इंटरेस्ट ये है कि यहूदी ना मरे, क्योंकि उन्होंने इसराइल से अपने सफारती और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात शुरू किए। उनका इंटरेस्ट है कि इसराइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, उनका मतलब है इसराइल आके उनकी उस अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे। वो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है, जितने भी अमीर मुल्क हो जाए, जितना भी पैसा हो जाए, बट दे आर अंडर द क्लाउड्स ऑफ द अमेरिकन एंड द ज्यूज। तो उनका क्या मतलब हुआ OIC? OIC का मतलब हुआ कि मरते हैं जो मरने दो, जो बमबारी हो रही है होने दो। आज 14वां दिन है देखिए, और 11वें दिन को इजलास का कॉल हुआ था और 11वें दिन को इजलास आके इजलास हुआ ही नहीं। वैसे तो वो हो भी जाता था कोई मतलब दिल्ली नहीं आनी थी, लेकिन बिल चलो एक टोकन तो होता। अब वो टोकन अमरीका ने डंडा दिया होगा, उन्हें कहा होगा जी आपने किसी तरह भी इसराइल को कंडम नहीं करना, और आपने अगर कंडम करना तो हमास को कंडम करना। एक ईरान है, लेकिन ईरान की भी पॉलिसी आपके सामने आ गई होगी, वो कहते हैं कि जी हमसे हमास ने मशवरा भी नहीं किया लेकिन हम इस चीज को कंडम करते हैं। उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आती है कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये भाई इस तरह तो नहीं होगा ना। सही, इस वक्त तो लोग मर रहे हैं, कल हॉस्पिटल पे बमबारी हुई है, बिल्कुल हॉस्पिटल में जो सर्जन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं उनकी गाजा से एक स्टेटमेंट आई है
क्योंकि हम तो गाजा छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तो अपने पेशेंट्स को ट्रीट करें, वहाँ दवाइयाँ नहीं, सही, वहाँ पे बिजली बंद है, वहाँ डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। मिस्र जो है वो अपनी सरहद भी खोल रहा, वहाँ से कोई कॉन्वाय एक कॉन्वाय नहीं जा रहा, रेड क्रॉस एक्टिवेट नहीं हो रही, WHO का दफ्तर दुबई में है वो छुप बैठे हुए, कोई इंसानी इंसानी कदरों की कोई जो चीज है वो नहीं मूव कर रही। इसका मतलब ये है कि यहूदियत दुनिया में छा गई है, ज़ायनिस्ट जो हैं, जो दहशत गर्दी पे बिलीव करते हैं, ज़ायनिज्म का मतलब दहशत गर्दी है, लफ्जी दहशत गर्दी और प्रैक्टिकल दहशत गर्दी, उसके अंदर नेतन्याहू जैसा क्रिमिनल जिसको उसके अपने मुल्क के लोग कहते हैं कि वो चोर और डाकू है, वो जुडिशियल रिफॉर्म्स कर रहा था कि अपनी चोरी को बचाए, और वो उस चोरी को बचाने के लिए इजरायलियों को एक मैसेज दे रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर रहने दो, और फार राइट के सारे लोग उसने अपने साथ लगाए हुए हैं ताकि उसके कोई मुकदमा ना चले। उस चक्कर में वो मुसलमानों को मारी जा रहा है और अमरीका उसको थपकी दे रहा है। आपको पता है जो बाइडन जो है वो तो मतलब ही इज नॉट मेंटली बैलेंस्ड प्रेसिडेंट, जो हेलीकॉप्टर से उतर के जा रहा था वो जाना दफ्तर होता है वो घर की तरफ चल पड़ते हैं, और उसके बाद जो उनका वो है फॉरेन अपना ब्लिंकन, उसने कह दिया जी मैं तो खुद यहूदी हूँ तो मुझे तो बड़ी फिक्र है यहूदियों की, यानी यहूदियों की यहूदियों को फिक्र है, मुसलमानों की मुसलमानों को फिक्र नहीं। सही, तो हम तो अपने रिलीजन की बेसिक टीचिंग के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे मजहब, हमारी किताब कुरान पाक जो पूरी दुनिया के लिए जो है वो इंसानियत के लिए एक हदिया रहमत है, एक डायरेक्शन देती है, उसमें बताया हुआ है कि यहूदियों को अपना दोस्त ना समझो, उनसे अपने राज शेयर ना करो। लेकिन यहाँ तो उन तालीमात के खिलाफ काम आपको होता नजर आ, करने वाले कौन है वो आपके सामने ही है। मैं आप किस किस का नाम लूँ, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ? जब आप कुरान करीम की टीचिंग के खिलाफ जा रहे हैं तो फिर तो यहूदियत ही पनपेगी ना, फिर मुसलमान तो मरेंगे। तो इससे सर आपको नहीं लगता ये जितनी बर्बरियत हो रही है दुनिया में जो है एक नफरत में एक इजाफा होगा, और आने वाले दिनों के लिए सारी दुनिया का हम तो देख रहे हैं कि अमन आप नहीं समझते कि वो खतरे में पड़ जाएगा, ये कब तक? सर, मेरा सर कंसर्न नफरत शफरत नहीं है जी, मेरा कंसर्न है ये जो मैं सोचता हूँ, ये जो मेरा दिल रो रहा है, जब बहुत से वो लोग जो लगते हैं, वो बहुत से वो लोग जो दुआएं करते हैं, उनका कंसर्न ये है कि वहां पे जो इंसानी बर्बरियत हो रही है, जो वहशियाने मजालिम हो रहे हैं, जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो उनकी लाशें वहां पड़ी हुई हैं, जिनके बदन व्हाइट फास्फोरस से जल गए हैं, जिनके बदन पे 2000 पाउंड का बम पड़ा है, जो बिल्डिंग तबाह हुई हैं, उन बिल्डिंग की रबल के नीचे जो 1300 बंदे दफन हुए हैं, वहां कब्रिस्तान कम हो गए हैं, वहां कब्रें दफन करने के लिए नहीं मिल रही, वहां अपना कफन नहीं मिल रहा है लोगों को। मेरा कंसर्न, मेरा दिल तो इस बात पर होता है कि इसको कोई रोके इस वक्त, बाद में पावे दुनिया उनसे यहूदियों से मोहब्बत करती है तो कर ले, इस वक्त इस चीज को रोका है, और इसको रोकने के लिए दुनिया का कोई मुल्क तैयार नहीं है, इसको रुकवाने के लिए दुनिया का कोई मुल्क तैयार नहीं। दुनिया के जितने ममालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि और मारो और मारो, और जितने हो सबको मार दो, सबको एक लाइन में खड़ा करो और 4000 पाउंड का बम फेंक के मार दो, दुनिया तो ये कह रही है ना। बिल्कुल, तो कल क्या होगा, कहाँ मूवमेंट चलेंगी, कहाँ नहीं चलेंगी, ये तो कल की बात है ना, आज की बात पे जो लोग मर रहे हैं उनकी उनके रिलीफ के लिए कौन जा रहा है? बिल्कुल, उनके रिलीफ के लिए तो कोई नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि जो वेस्ट का जो अमरीका का जो ह्यूमन राइट्स का गंदा चेहरा था, जो गलीज चेहरा जो उन्होंने अपने ऊपर गलाजत का जो तो वो चढ़ाया हुआ है अमेरिकन लीडरशिप ने, वो सामने खुल के सामने आ गया अब दुनिया में। लेकिन क्योंकि उनके पास ताकत है, पावर है, तो कोई खिलाफ बोलेगा नहीं। बरतानिया को देखे, जिसने मसला शुरू किया था, आज उनका हिंदू प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी हम तो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और हम उनको जो है वो हथियार भेजेंगे और म्यूनिशन भेजेंगे, और जो वो जिस तरह वो लोगों को मारेगा हम सपोर्ट करेंगे। लेबर पार्टी बेसिकली ज्यूश पार्टी है, उसके जितने लोग हैं वो ज़ायनिस्ट के प्रचार करते। अब इसमें अंदर से आवाजें जितनी मर्जी उठे, जो लोग कहे स्पेन एक मुल्क है जिसने सपोर्ट दी, इसराइल को सपोर्ट नहीं किया, या साउथ अफ्रीका के अंदर से एक आवाज उठी है कि हम बहुत सारी चीजें इसराइल से मंगाते हैं, उनके अपोजिशन लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उसका बायकॉट करेंगे, इसके अलावा कोई मुझे मुल्क बता दे
यानी हम तो मैकडॉनल्ड का बैकआउट नहीं कर रहे, हमारे अपने मुल्क को देंगे तो दूर क्यों जाते हैं? सही बात। जहाँ किसी को रियलाइजेशन है, एक जमात इस्लामी है जिसने वो रैली निकाल दी थी और जो उनकी कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ रिलीफ का सामान जो है वो भिजवाएं, लेकिन वो किस तरह भिजवाएंगे? या उन्होंने कंडम किया, ये कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी में, लेकिन यहाँ पे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई वर्केबल गवर्नमेंट नहीं है जिसकी बात दुनिया सुने, केयर टेकर गवर्नमेंट है। और आपको पता है केयर टेकर गवर्नमेंट का स्टेटस जो है वो दुनिया जो है क्रेडिबिलिटी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करती है। बिल्कुल सही फरमाया। तो ये जो चीजें हैं इसमें अल्लाह ही रहम करे तो करे, बाकी जो दुनिया की कोशिश है वो मैंने आपसे जिक्र कर दी, और आप खुद भी उनको लीजिएगा, अखबार पढ़ लीजिएगा, प्रिंट मीडिया यानी फॉक्स न्यूज और स्काई न्यूज का प्रोपेगेंडा आप उठा के देखें। जी बिल्कुल। यानी कल जो यूके की एम्बेसी, यूके में अपना इजराइल की एम्बेसडर है वो ट्रिपली क्या नाम है उसका, उसको कल फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू देते हुए इतना झूठ बोलते हैं, इतने रियाकार, इतने अय्यार, इतने मक्कार हैं, तो वो इंटरव्यू देते कहती है कि जी गाजा में तो कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही। अब आप मुझे बताइए सही क्या कहे बंदा। अच्छा सर, आखिर में इस सारी सूरत हाल में अगर आपसे समझना चाहें तो हमास का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? उन पर क्या प्रेशर बढ़ेगा या हिमायत बढ़ेगी? और वो जो मुगवी उनके पास हैं, जो लोग उन्होंने यरगमाल बनाए हुए थे पहले दिन, उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई तो फिर हम इनका भी कत्लेआम शुरू कर देंगे, तो क्या उनकी तरफ से भी कोई शदीद रद्द अमल आ सकता है? जी, एक तो पहली बात तो ये है, ये याद रखिएगा कि इजराइल ने जितने प्रोपेगेंडा किया है कि लड़ाई के एक घंटे के अंदर वो कहते हैं 900 यहूदी मर गए, जी ये एक दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, दिस इज एब्सोल्युटली लाई। एक घंटे के अंदर अगर 900 बंदों को आप एक लाइन में भी खड़े करके गोलियां मारे ना, तो उसको भी नहीं एक घंटे से ज्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसका तो भी वो प्रोपेगेंडा कर रहा था एक स्काई न्यूज और फॉक्स न्यूज और CNN और बाकी जो चैनल्स हैं और इंडियन चैनल जो हैं, वो कहते थे कि जी वहां पे बच्चों को मार दिया। आपको पता है जो बाइडेन ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि बच्चों को मार दिया, बाद में जो बाइडेन ने वो स्टेटमेंट विदड्रॉ कर ली। तो अब बात यह है कि उनके पास अगर हमास के पास मगवी हैं या लोग हैं तो देंगे, तो ये जो 250 आज जो तादाद 4000 पहुंच गई है इसका क्या, इसके 4000 और ऐड हो जाएंगे? लेकिन बात यह है कि क्या हमास के पास कोई चॉइस थी? फर्ज करें हमें सोच लेते हैं ये, अगर हमास ये ना करता, हिजबुल्ला ये ना करती, ये ना करता तो हम कहते हैं कि जी सवाल ये तो इजराइल में अमन रहता, क्या यहूदी रुक जाते गाजा में बमबारी करने से? इससे पहले जो बमबारी हुई थी जब बारक ओबामा प्रेसिडेंट था, बड़ी सीरियस बमबारी हुई थी जो बहुत सारे शहीद हुए थे, या 1982 में जब लेबनान के दो विलेज थे शब्रो और शतीला के ऊपर 20,000 लोगों को मारा था, तो उस वक्त हमला हमास ने किया था। तो क्या अगर ये हमास ना करता तो क्या अमन रहता? इसमें तलाश करें, हमास ने जो करना था वो कर लिया और वो आगे भी करेगी, हिजबुल्ला भी करेगी, ईरान कहता है हम उनकी मदद करेंगे, अल्लाह करे उनकी मदद करे, लेकिन अभी जो चीजें हैं वो तो एक एडवांटेज जो है, क्योंकि ताकत जो है वो यहूदियों के पास है और अमरीका ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने में एक्सपर्ट है, हमेशा अमेरिकन जितने प्रेसिडेंट रहे हैं दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग टेररिस्ट, दे हैव ऑलवेज बीन हार्बिंग टेररिस्ट, CIA हमेशा दहशतगर्दी को सपोर्ट करती, ये CIA जिसने ISIS बनवाई थी, ये CIA जिसने तहरीक तालिबान बनवाई, पाकिस्तान के अंदर जब भी दहशतगर्दी हुई वो फंड देते हैं, डॉलर देते हैं, तो वो तो चीजें कंटिन्यू करेंगी। हमास के पास कितने लोग होंगे? मुझे नहीं लगता जितने हमास कह रहे हैं, वो तो एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर कह रहे होंगे, लेकिन अगर इतने लोग हैं भी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्योंकि हमास कोशिश नहीं करेगी जिसको बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करे। एक इजरायली औरत का इंटरव्यू आया था पिछले दिनों सोशल मीडिया पर, वो कहती है कि हमारे जगह पे हमला हुआ तो हमास के लोग थे, मैं थी और मेरे दो बच्चे थे, तो उन्होंने मुझे मतलब एक चादर सी दी पाया, दो बच्चों में एक बच्चे को मैंने उठाया, एक को हमास का एक आदमी का उसने उठाया और मुझे वो सेफ जगह पे छोड़ के, ये भी इंटरव्यू आ रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा जो है ना, मीडिया प्रोपेगेंडा, उसमें तो आपको पता है यहूदी और अमेरिकन बड़े तेज हैं, वो दिन को रात और रात को दिन कलवा लेते हैं, और यही प्रोपेगेंडा हो रहा है अभी। सही।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़िम ब्रिगेडियर गज़नफर अली साहब जो मौके फ़मान जो सामू आई गाल बिल्कुल उ समूरी सूरत हाल में जो अस शुरू में भी गाल कईसी ताकतवर जो मुल्क आन उ नेठ किथे इन बर्बरीत के रोकराण लाइ उ किरदार अदा ना कन उ ना कन पर मुसलमान मुल्कन जो भी हाल अवे सामू है जी अवे बुधायासी OIC जो इजलास थियल हो इजलास तीन मुलतवी थी वो पा सभी के बुधा वो तो 40 मुल्क की फौज है राहिल शरीफ साहब उनकी क्यादत था कन सऊदी अरब 18 ही है मुसलमान के दिफा के लिए उ सब किथे अवे सामू है बे पास इसराइल है जैसे केर भी कंट्रोल कर तैयार ना है जैसे जिते चाहे तो वह बम से उन बिल्डिंग के उड़ाए तो छे मासूम मानन जो कतलेआम जारी है दुनिया वो तमाशो ऐसे थी ऐसो है यो तमाशो नेठ केस तीन जारी रो यो तमाशो केस तीन दुनिया ये ऐसी रही इन जो नतीजा निकलना इंद डी में उ केतरा खतरनाक हों दुनिया जो जी अस बार बार चौं था ऑलरेडी अमन जो है दाव से लगल है वो अमन वेतर केतरो खतरे में पे वो यो भी सोचण जो है। सो अज जो अस प्रोग्राम है इतने पुजानी दे तो पहुंचे असाजाजत अल निगेबान।